नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। हम बताने वाले हैं कि हमने जो 0534 का स्प्रे किया था और नैनो यूरिया का, उसका रिजल्ट हमें कितना मिला है। क्योंकि हमने जो स्प्रे किया था वो हमने किया था 20 तारीख को और अभी है 30 तारीख, अब 10 दिन हो गए हैं, तो हमको कितना अंतर देखने को मिला है इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। ये देखिए, हमने ये 1 किलो वाला 0534 का स्प्रे किया था इस पे खेत पर। ये देखिए, तो इसका रिजल्ट हम बताते हैं आपको 10 दिनों में कितना मिला है। सबसे पहले हम ये वाले खेत में दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक टैंक पानी लिया था 500 लीटर का और सिंचाई यहाँ तक ही हुई थी। ये जाम का पेड़ है यहाँ से यहाँ तक, और अदर साइड सिंचाई नहीं हुई थी। तो अभी हम अंतर दिखाते हैं आपको कितना डिफरेंस है, जहाँ हमने 0534 और नैनो यूरिया का उपयोग किया था। देखिए अदर साइड तो बाले निकल गई हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले पानी दे दिया था और इधर साइड थोड़ा एक दो दिन लेट हो गया था, और जो पेड़ के कारण भी अभी बालियाँ थोड़ा लेट निकल रही हैं, क्योंकि ये परछाई के कारण ये थोड़ा लेट हो जाती हैं। ये 322 प्रजाति के गेहूँ हैं और अभी हमने इसमें तीसरा पानी दे दिया है, और अभी ये वाले खेत अभी आधा हो गया है, अभी पानी दिया है और 2 बार यूरिया खाद का उपयोग कर लिया है। तो देखिए, बालियाँ तो अभी काफ़ी अच्छी निकल गई हैं। नवंबर 20 नवंबर के आसपास की बोनी है ये। दो महीने से ज़्यादा की फसल हो चुकी है और बालियां काफ़ी अच्छी निकल गई हैं। तो इधर साइड हमने स्प्रे नहीं किया था और इधर साइड किया था। अभी इधर साइड देखने में मिल रहा है कि बालियां पानी मिलने कारण पहले निकल गई थी, लेकिन इधर साइड जो बालियां अभी निकल रही हैं, इधर साइड की बालियों का कलर थोड़ा अलग लग रहा है। अभी हम और डिफरेंस दिखाते हैं आपको, फिर ये वाले खेत में दिखाएंगे जो हमने थोड़ा लेट सिंचाई किया था। इधर साइड थोड़ा हरा दिख रहा है जहाँ पर हमने नैनो यूरिया और 0534 का स्प्रे किया था। इधर की पत्तियाँ काफ़ी हरी दिख रही हैं अभी, और लेट थोड़ा एक दो दिन लेट बगाई हुई थी। डिफरेंस आप समझ में आ रहा है, इधर हल्का पीला दिखने लगा है अभी से ही। और बालियाँ भी हम ध्यान से देखें तो थोड़े अच्छी बालियाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि इधर साइड थोड़ा बैठ जाता था तो पोषक तत्व मिलने कारण थोड़ा अच्छी बालियाँ ही निकल रही हैं लंबी। इधर साइड भी निकली है तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग 20-30% का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और अब इधर साइड वाले में दिखाते हैं आपको, जिसमें हमने लेट पानी दिया था क्योंकि 15 दिन लग गए थे 5 एकड़ को बगाने में ही। तो इधर भी देखिए, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे फसल है, लेकिन उसको छींचने से कहाँ कहाँ जहाँ यह अधिक पीला था यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये थोड़ा काला हो गया है। और जो पत्तियाँ निकली हैं वो अच्छी निकली हैं और बालियाँ भी अभी निकलना स्टार्ट हुई हैं, और आगे साइड थोड़ा थोड़ा बालियाँ निकल गई हैं। उधर साइड में ऐसा पानी लगा था, वहाँ से वो बालियाँ अलग ही ऊपर दिख रही हैं। 15-20-30% तक रियल देखने को मिल रहा है, उतना खास रियल देखने को नहीं मिला है अपन कह सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 3 बार दवा छिड़कना चाहिए, लेकिन एक ही बार छिड़क सकता है किसान, इतना नहीं मेहनत कर सकता मशीन रहने के बाद भी, क्योंकि लेबर नहीं मिल पाते हैं। थोड़ा बहुत तो फसल में सुधार आ ही जाता है, इसलिए आपको भी 0534 और नैनो यूरिया और अभी घुलनशील नैनो यूरिया जैसे ही DAP आ रही है और इल्लीमान दवा का स्प्रे करना चाहिए गेहूं में भी, तो काफ़ी अच्छा रियल देखने को मिल सकता है। अभी ये ग्रोथ भी अब 10 दिन हो गए हैं, तो ग्रोथ हमको तो थोड़ा ठीक ही लग रही है, क्योंकि उतना पानी खाद दिए, पानी गिर गया था तो हमने खाद डाली थी पहली बार, और दूसरी बार पानी गिरने के बाद और थोड़ा पहले खाद डाले थे तो थोड़ा डिफरेंस आ गया था, लेकिन फसल वगैरह तो सब ठीक ही है। अभी हम ये लास्ट पानी चल रहा है,
अभी आधा खेत हो गया और इतना और वो ऊपर की बंदियाँ पर बची है अभी, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिनों में। अभी हम पाइपलाइन चेंज कर रहे हैं, 10 नोजल लगाए हुए हैं और 2 HP की मोटर थी वो हमारी जल चुकी थी, तो उन्होंने उसको सुधरा कर ला लिया और अभी उसका ग्रिप का जो वायर रहता है तो वो जल चुका है, तो उसको अभी सुधारेंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं एम्पिरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।